दिल्ली के कंझावरा केस की कहानी फिल्म दृश्यम की तरह उलझती जा रही है। कल तक दिल्ली पुलिस कह रही थी कि कार में 5 आरोपी थे, आज पता चला है कि कार में 4 आरोपी थे। 2 दिन पहले तक पुलिस कह रही थी कि कार दीपक चला रहा था, लेकिन पुलिस ने ही कल बताया कि कार तो अमित चला रहा था। आज जी न्यूज की पड़ताल में कंझावला केस से जुड़े हुए 6 नए वीडियो मिले हैं। इन वीडियोज में अंजलि और निधि के साथ स्कूटी पर एक लड़का भी नजर आता है। इसके अलावा जी न्यूज पर अंजलि के करीबी दोस्त ने निधि और 31 दिसंबर की रात होटल में क्या हुआ इसे लेकर एक अहम दावा किया है। ये वही दोस्त है जिसका दावा है कि वो उस रात होटल में अंजलि के साथ मौजूद था। लेकिन जी मीडिया की पूरी पड़ताल दिखाने से पहले आपको आज के 6 बड़े अपडेट बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट इस केस में यह है कि कंझावला केस में आशुतोष और अंकुश समेत सभी 7 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरा अपडेट यह है कि एक्सीडेंट वाली कार में 5 नहीं बल्कि 4 आरोपी थे। तीसरा अपडेट यह है कि वारदात के वक्त दीपक खन्ना घटना स्थल पर था ही नहीं। चौथा अपडेट यह है कि वारदात के बाद आरोपी दीपक के घर पर रुके थे। पांचवा अपडेट यह है कि अंजलि की दोस्त निधि से पुलिस ने पूछताछ की है। और छठा अपडेट, पड़ोसी निशांत ने निधि से अपनी जान को खतरा बताया। छह नए वीडियो और अंजलि के साथ वो कौन। दीपक पर पुलिस को चकमा देने वाली स्क्रिप्ट किसने रची। कहां घूम रहे थे बताओ तो। पड़ोसी निशांत को निधि से आखिर खतरा क्यों है। आज की पड़ताल इन्हीं सवालों पर है। ये नए सवाल हैं और इनमें से कुछ सवालों के जवाब नए सीसीटीवी वीडियो में हैं। कंझावला केस के ये 6 नए वीडियो हैं, जिनमें फिल्म दृश्यम की तरह कंझावला केस की उलझती पहेली सुलझ सकती है या और उलझ सकती है। ये दिल्ली पुलिस का सरदर्द है, लेकिन इन 6 वीडियो में कई नई कहानियां हैं जो पहली बार सामने आ रही हैं। 31 दिसंबर शाम 7:07 से लेकर 1 जनवरी की सुबह करीब 4:30 तक पूरी पिक्चर इन 6 वीडियो में कैद है। ये सीसीटीवी वीडियो 31 दिसंबर की शाम 7:07 का है। इस वीडियो के जरिए पहली बार एक लड़का सीन में आ रहा है, क्योंकि अब तक अंजलि की स्कूटी पर 2 लोग ही दिखे थे, एक खुद अंजलि और दूसरी उसकी दोस्त निधि। लेकिन इस वीडियो में अंजलि और निधि के साथ स्कूटी पर एक लड़का है और वो भी सबसे आगे। ये लड़का ही स्कूटी चलाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि स्कूटी चला रहा लड़का अंजलि का दोस्त है। इस वीडियो में एक गली के सामने स्कूटी रुकती है, सबसे पीछे निधि बैठी है जो स्कूटी से उतर कर एक गली की ओर बढ़ती है। अंजलि और उसका दोस्त ये दोनों मोबाइल देखते हैं और फिर इनके बीच कुछ बातचीत होती है। अंजलि अब अपना मोबाइल जेब में रख लेती है और उसके बाद जेब से कुछ निकाल कर उस लड़के को देती है। पता नहीं ये क्या सामान है। इतने में ही ये लड़का स्कूटी लेकर आगे बढ़ जाता है और अंजलि उसी गली में चली जाती है जिस गली में निधि गई थी। ये सीसीटीवी वीडियो 31 दिसंबर की शाम 7:10 का है, यानी पहले वीडियो के सिर्फ 3 मिनट बाद का। इस वीडियो में अंजलि एक गली से सड़क पर आती है। ये वही गली है जिस तरफ अंजलि और निधि 3 मिनट पहले गई थी। अंजलि स्कूटी स्टार्ट करती है, इतने में निधि उसी गली से आती है और स्कूटी पर पीछे बैठ जाती है। स्कूटी पर बैठकर दोनों दोस्त होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। अब आप इन दोनों वीडियो को देखिए, दोनों का लोकेशन एक है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के करंट विहार में यही अंजलि का घर है।
इन दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जब अंजलि उस लड़के के साथ स्कूटी पर बैठकर आई थी तब अंजलि की अपनी स्कूटी यहीं लगी थी, जिस स्कूटी को 7:10 पर अंजलि स्टार्ट कर जाती दिखती है, जो कि दूसरे वीडियो में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के कंजावला केस से जुड़े 6 नए वीडियो में अभी आपने सिर्फ 2 वीडियोस का सच देखा है, लेकिन अभी 4 और वीडियो देखने बाकी हैं। इन 4 वीडियो में से एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक और आरोपी, छठा आरोपी आशुतोष नजर आता है और उसके साथ एक शख्स और भी नजर आता है। तो वो है कौन? देखिए अगले 4 नए वीडियोस और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अंजलि के करीबी दोस्त की गवाही, वो क्या कह रहा है। ये वीडियो 1 जनवरी की रात 1:28 का है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो उस होटल के पास पार्किंग का है जहां अंजलि और निधि ने नए साल की पार्टी की थी। ये सीसीटीवी वीडियो रात 2:15 का है, यानी वारदात के ठीक 10 मिनट बाद का। इस वीडियो में सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखाई देती हैं। इनमें से एक गाड़ी किसी बड़े वाहन को ओवरटेक करते हुए बहुत तेजी से गुजरती है। पुलिस के मुताबिक ये वही गाड़ी है जिससे अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। सीसीटीवी वीडियो में 1 जनवरी सुबह 4:07 का समय अंकित है। इस वीडियो में एक शख्स मोबाइल पर बात करते हुए गली में कहीं जाता हुआ दिखता है और फिर पीछे मुड़ता है और दाहिनी तरफ एक गली में चला जाता है। इस वीडियो के ठीक 9 मिनट बाद एक और वीडियो आता है। कंझावला केस को सुलझाने के लिहाज से ये सीसीटीवी वीडियो बेहद अहम है। जगह वही है लेकिन इस बार एक नहीं 2 लोग। 1 जनवरी सुबह 4:16 का समय हो रहा है और सफेद कपड़े में जो दूसरा आदमी दिखाई दे रहा है यही आशुतोष है, इस मामले का छठा आरोपी जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वीडियो में आशुतोष और वो पहला शख्स दोनों आपस में बात करते दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस वीडियो के साथ गुरुवार को मिले इस वीडियो को देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आशुतोष के साथ जो आदमी गली में दिखाई दे रहा है वही आदमी आशुतोष के साथ उस वक्त भी मौजूद था जब बलेनो गाड़ी से 3 आरोपी उतर रहे थे, यानी 1 जनवरी को सुबह 4:33 का सीसीटीवी वीडियो जिसे गुरुवार को हमने आपको दिखाया था। दावा किया जा रहा है कि ऑटो के पास आशुतोष के साथ खड़े 3 लोगों में से एक अंकुश भी था। अंकुश यानी कंझावला केस का 7वां आरोपी। आशुतोष के साथ साथ अंकुश का नाम इस मामले में आरोपी के तौर पर जुड़ चुका है, ये बात दिल्ली पुलिस गुरुवार को बता चुकी थी, लेकिन जी मीडिया की पड़ताल में इस मामले से जुड़ी एक नई कहानी का पता चला। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उस कार में 5 नहीं सिर्फ 4 आरोपी। दीपक ना तो कार चला रहा था ना ही उस कार में मौजूद था। गाड़ी अमित खन्ना चला रहा था। एक्सीडेंट के बाद उसने अपने बड़े भाई अंकुश को फोन लगाया और घटना के बारे में जानकारी दी। अंकुश ने आशुतोष को पूरी बात बताई। इसके बाद अंकुश ने दीपक खन्ना को बुलाया। दीपक और अंकुश ऑटो लेकर आशुतोष के घर पहुंचे। जब बलेनो कार आई तो आशुतोष गाड़ी में बैठकर गाड़ी पार्क करने चला गया। उसके बाद सभी आरोपी दीपक खन्ना के घर रुके। गाड़ी चलाने का आरोप दीपक ने अपने ऊपर ले लिया जबकि गाड़ी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अमित खन्ना चला रहा था। कहा जा रहा है कि अमित के भाई अंकुश के कहने पर दीपक ने अमित का गुनाह अपने ऊपर ले लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आशुतोष, अंकुश और दीपक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है। किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो मिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है। अंकुश की तलाश करते करते जी न्यूज की टीम मंगोलपुरी के उसके घर तक पहुंच गई। दोपहर तक अंकुश की तलाश जारी थी।
लेकिन शाम होते होते अंकुश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित के मंगलवार की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था 31 दिसंबर की रात अंजलि और निधि के बीच लड़ाई हुई थी। दोनों के बीच लड़ाई होटल के कमरे में भी हुई थी। उसी रात की लड़ाई पर सबसे अहम गवाह अब सामने आया है और उस गवाह का नाम है नवीन। नवीन का अंजलि का करीबी दोस्त उसे बताया जाता है और उसका दावा है कि उस रात जब होटल में नए साल की पार्टी हो रही थी तो वो अंजलि के साथ मौजूद था। जी न्यूज पर अंजलि के करीबी दोस्त नवीन ने क्या क्या दावे किए हैं ये आपको बताते हैं। ये नवीन जो है 31 दिसंबर की रात जो ओयो होटल था जिसमें निधि और अंजलि मौजूद थे, उस वक्त एक और शख्स का नाम आ रहा था। वो नाम था नवीन का, जो कि अंजलि का करीबी दोस्त बताया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ में नवीन है, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार उस होटल में क्या हुआ था, किस बात को लेकर के निधि और अंजलि के बीच झगड़ा हुआ था, पूरी बात इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नवीन, आप जो है 31 दिसंबर को कहां पर थे आप? सर 31 दिसंबर को मैं अपने घर पर ही था। अच्छा अच्छा, तो जो है ओयो होटल कब पहुंचे आप? मैं 11:30 बजे पहुंचा सर। अच्छा, वहां पर जब पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर वहाँ पार्टी चल रही थी इनकी। सर किस किस की पार्टी चल रही है? अंजलि की। अच्छा, वहाँ पार्टी में कौन कौन लोग थे जिनको आपने देखा पहले? सर मैं था और मेरे कुछ यहीं के यार दोस्त थे। अच्छा हाँ जी। अच्छा, कितने होटल के रूम वहाँ बुक थे? सर 2 बुक थे। अच्छा, फिर क्या होता है, किस बात को लेकर के वहाँ झगड़ा होता है, सब लोग वापस जाते हैं, क्या बात होती है? सर निधि की और अंजलि की लड़ाई होती है पैसों के चक्कर में। निधि पैसे मांगती है अंजलि से। अच्छा हाँ जी, निधि पैसे मांगते हैं अंजलि से और अंजलि अपनी स्कूटी की चाबी मांगते हैं कि मेरी स्कूटी की चाबी दे। अच्छा हाँ जी, इनका लड़ाई झगड़ा होता है, हम छुड़वा देते हैं इनको, फिर ये अंजलि थोड़ी देर बैठ जाती है, फिर वो नीचे चले जाते हैं, ये दोनों फिर नीचे चले जाते हैं। अच्छा। ये नीचे जाते हैं, फिर वहाँ से नीचे के नीचे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अच्छा। हमें पता लगता है कि वो चली गई, फिर हम भी सर नीचे उतरते देखते, जब है नहीं वो, हम भी सर अपने घर आ गए थे फिर। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको क्या पता चलता है कि क्या हुआ अंजलि के साथ? सर मेरे को अगले दिन पता चलता है शाम को कि ऐसी ऐसी बात हो गई है बस सर। अच्छा, फिर क्या निधि ने आपसे बात करने की कोशिश की, आपको बताया कि ऐसा? मैं निधि को जानते नहीं सर। अच्छा। मैंने निधि को कभी नहीं देखा। अच्छा। कब से जानते हैं अंजलि को आप? अंजलि को सर मैं 2 साल से जानता हूँ कम से कम। अच्छा, तो किस तरीके का आपके बीच में बातचीत होती थी, लास्ट बातचीत आपकी कब हुई थी? सर मेरी लास्ट बातचीत 31 को हुई थी। अच्छा। मेरे 2 महीने से हम, मैं इससे बात नहीं करता था। जी 31 दिसंबर को जो पार्टी रखी गई थी, ये इसकी प्लानिंग कितने दिनों पहले हुई थी कि यहाँ आना है? वही मैंने बताया था सर, 2 महीने से मैं बात ही नहीं कर रहा था इससे। अच्छा हाँ जी। अच्छा, पुलिस ने आपको बुलाया था? हाँ जी सर। पुलिस ने आपसे क्या पूछा है? सर जो था मैंने बता दिया, जो सच था जो मैंने बता दिया। अच्छा, उस रात जो भी हुआ? हाँ जी सब बता दिया। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपने बताया? सर बस सर। अच्छा बता दिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस पूरे मामले में जो नवीन है, इनका कहना है कि पुलिस ने इनको बुलाया था पूछताछ के लिए। जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश करी कि आखिरकार उस रात उस ओयो होटल में क्या हुआ था, क्योंकि नवीन, अच्छा आपकी बात क्या उससे भी हुई थी लगातार, जो कि अंजलि का फ़ोन पे किसी से बात हो रही थी वहाँ पे थे? मतलब अंजलि की आपके फ़ोन पे बात भी हो रही थी? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई थी अंजलि से बात। तो आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर से ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है, इन्होंने सारे जो तथ्य हैं वो दिल्ली पुलिस को बता दिए हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।